सुभान अल्लाह। हेलो, क्या दवा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वक्त टाइम हो चुका है सुबह के क्या भजन, अब हल्की हल्की दोपहर ही हो गए, 11:30 हो चुके हैं, 12 तो बजने वाले हैं। और इस वक्त होती है फुल धूप। ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप देखो क्या मौसम हुआ पड़ा है, क्या मज़े का मौसम हुआ पड़ा है। बारिश, रात को हल्की हल्की बारिश हुई है, पता है यहाँ से चल रहा है, मुझे तो नहीं पता था, मुझे गाड़ी से पता चला, सारी गंदी हुई पड़ी है, इसका मतलब रात को हुई है यहाँ पे बारिश। और इस वक्त ठंडी ठंडी हवा, काले काले बादल हैं, बारिश दोबारा हो सकती है। जुम्मे का दिन है, खूबसूरत दिन, पीछे भी मुझे लग रहा है पिछले फ्राइडे पड़ा अला मौसम हुआ हुआ था, और इस फ्राइडे दोबारा से इतना कमाल का मौसम हो गया लेवल। मैंने कहा थोड़ी सी यार सुबह सुबह उठे हैं तो थोड़ी सी ऐसा करते हैं, इतने अभी नाश्ता भी नहीं किया, मैंने कहा वॉक कर लेते हैं यार। गर्मी के मौसम में बंदा बाहर नहीं निकल सकता, और इस मौसम में बंदा बाहर ना निकले तो जस्टिस नहीं कर रहा इस मौसम के साथ। इतना कमाल मौसम, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा, काले काले बादल, और फिर एक वाइब होती है बकराईद वाली, वो भी आ रही है, क्योंकि सामने लोग को ही अपने बकरों के लिए चारा लेके आ रहे हैं, भेड़ों के लिए ला रहे हैं, एक वाइब आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मौसम इतनी ठंडी ठंडी हवा है, पता नहीं फ़ोन से आपको वो जो हवा की वॉइस आती है वो फील हो रही होगी, तो आपको पता चल रहा होगा हवा बड़ी अच्छी प्लेजेंट और मज़े की चल रही है, या ये भी नहीं कि फुल तेज़ चल रही है, और ठंडी हवा चल रही है, गर्म भी नहीं। बादलों से तो आपको पता चल नहीं रहा होगा यार, काले काले बादल आए हुए हैं, तो वाइब भी मज़े की है यार। अभी थोड़ी देर वॉक करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं नाश्ता वगैरह करके, फिर जुमे के लिए भी हमें रेडी होना है जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है, अब लेट ही उठे हैं आज भी यार। कमाल मौसम हुआ है, अगर यार दुआ है कि सारा दिन ये मौसम ऐसा ही रहे, क्योंकि मुझे आज 2-3 काम है, वो काम मेरे हो जाएंगे बाहर के, मेरा भी काम की टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर मौसम इस तरह खराब, बारिश भी होगी फिर भी मुश्किल है, और अगर धूप भी आ गई फिर भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दुआ है कि यार मौसम ऐसे ही रहे। उससे पहले कि भजन, पहले तो जुमा अदा करना ना, उससे पहले हमें रेडी होना है जुमा अदा करने के लिए, तो जल्दी सोते हैं रेडी, और उसके बाद रेडी होने के बाद आपको मिलते हैं। और मैजिक करते हैं, चलो भी ये है, अभी हम शावर वगैरह भी नहीं लिया हुआ, तो डायरेक्ट शावर लेके रेडी होके मैजिक करते हैं। ये भाई जान हो चुके हैं फुल रेडी, शावर लेकर और ड्रेस पहन के, ये वाला मैजिक तो बहुत बहुत कमाल है यार, हमें तो बहुत सूट करता है ये वाला मैजिक। और यार बैड सीन, मुझे लग रहा है कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है भाई, मौसम ख़राब इसलिए हो रहा है, मैं आपको बाइक आगे दिखाता हूँ, बहुत काले बादल आ गए हैं, और मैं चाह नहीं रहा बारिश हो, बिकॉज बारिश होगी तो बहुत काम खराब हो जाएगा ब्रो। ये देखो यार फुल काले बादल इस वक्त आए हुए हैं, अभी मैं तो अंदर चल रहा हूँ जल्दी से, मैं तो जुमा दा के नहीं चलते हैं, और जुमा दा पहले यार नहीं ऐसे जुमा दा नहीं करना, हमने पहले लगाने यार फूल लगाएंगे, भजन सुनना अदा करेंगे, तो लगाते हैं जल्दी से ये बस डन हो गया, खुशबू डन है, जुमा अदा करते हो, जुमा अदा करने के बाद फिर आपको मिलते हैं। ओके, आफ्टर ऑफरिंग जुमा प्रेयर, जुमा अदा कर रहे हैं, बाहर का मौसम माशाल्लाह आप लोगों के सामने, काले काले बादल आए हुए हैं, और बड़ा कमाल मौसम हुआ पड़ा। अब फिलहाल मैंने कहा जरा घर जाते हैं यार, जुमा अदा किया, और ये देखो भाई जान सामने क्या लगा हुआ यार, लेवल हो गया, ये तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये तो भजन न्यूजीलैंड से भी ज्यादा मैं इसका फैन हूँ, ये जो मैच हो रहा है, ऊपर से भी जैक क्रोली ने जो स्लिप का कैच छोड़ा है आर विहारी का, और एंडरसन की बॉल, एंडरसन ने पहली विकेट तो ले ली, और जैक क्रोली ने ही स्लिप पे कैच पकड़ा था, और दूसरा ये नहीं, ये पोर्ट्स की बॉल पे पकड़ा, हाँ ड्रॉप किया था यार, क्या एज था, कंप्लीट रेगुलेशन एज, और ये ड्रॉप, That shouldn't have to be happened, but this match going to be interesting. Oh, in swinger from James Anderson, Kamal. Okay, बहुत अला मैच आ रहा, थोड़ी देर बैठ के मैच देखते हैं, और उसके बाद हमारा सीन ये है कि जरा मैंने बताया आपको काम जाना है, तो वहाँ पे निकल गया थोड़ी देर पहले, मैं थोड़ी देर मैच देखता हूँ, और उसके बाद डायरेक्ट निकलता हूँ, जहाँ मैंने जाना है वो टाउनशिप मैंने जाना है, काम है छोटा सा वो करना है, लेकिन टाइम थोड़ा सा लग जाएगा मुझे, जिस वजह से थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ घर आके, उसके बाद फिर मौसम बड़ा मज़े का है। चुको रेडी है, पैंट शर्ट जरा मैंने कहा कोई बात नहीं पहन लेते, और ग्लासेस चेक करो, वो तो पहले जुम्मे के वक्त भी मैंने पहन ली थी, जरा चेंज किया, मैंने उस दिन कह रहा था यार ये वाले ग्लासेस जरा ज़्यादा सूट करिए इस कटिंग पे, ऊपर से जरा अच्छे वेल ड्रेस हो गए हैं, तो अब निकलते हैं, मौसम काले काले बादल है, बस दुआ करो बारिश ना होती, तो फिर लास्ट टाइम की तरह पिछली दफा भी हम टाउनशिप गए थे और बारिश हो गई थी, और हम यहाँ पे फंस गए थे, दुआ करो बारिश ना हो, अरे ये हम जाके आ जाए उसके बाद जितनी बारिश होनी है हो जाए। मूसा और अजलान बाहर क्रिकेट खेलने लगे हुए हैं ये दोनों, इन्हें पता भी नहीं इनकी वीडियो बन रही होगी, ये देखो
मूसा अपने भाई से छक्के खाते हुए अजलान से। अजलान वेरी गुड, अजलान ने सुन लिया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मूसा को अभी भी नहीं पता चला कि मूसा की वीडियो बन रही है। मैं निकल रहा हूँ यार, मैं निकल रहा हूँ और दोनों आगे। हाँ भाई, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, मैं जरा जा रहा हूँ, तैयार हुआ, सही लग रहा हूँ। ग्लासेस चेक कर, ग्लासेस हाँ ज़्यादा नहीं सही लग रही। अजलान से जैसे मिल नहीं रही अजलान, और मैंने कहा अजलान और मेरी जरा ज़्यादा मैच हो जानी चाहिए। मैं आ जाऊँगा शाम तक, दुआ कर तब तक बारिश ना हो यार। मैं जाऊँ फंस ना जाऊँ वहाँ पे, बारिश वाला मौसम तो फुल हुआ पड़ा। नहीं शादी पे मैंने क्या करने जाना शादी पे, दुआ कर आ जाऊँ। ये देखो सामने से कौन, ये देख लो सामने से कौन आ रहा है भाई। यहाँ पे बाहर निकलो जब मौसम अच्छा हुआ होता है, बच्चे ये वाले बाहर ही फेर रहे होते। ये कौन सी बोल है, दिखा। वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओगे? नहीं आएगा यार, बेचारे ने पीछे जाना होता है। कल आएगा, कल पता चले बारिश हो रही है और हम खेलना कैंसिल हो जाए। लेकिन कल की बारिश नहीं, आज की बारिश थी। अच्छा यार मैं लेट हो रहा हूँ, पहले मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे तो भजन बड़ी धूप है, यहाँ पे भजन आपको कभी आए नहीं। हम यहाँ पे आगे करके सारी टाउनशिप मार्केट, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड है, ये वाली भी हर वक्त यहाँ पे बिजी, मतलब कि इतनी वहाँ भाई, कभी यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं लोग, वहाँ से वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे हर वक्त ही ट्रैफिक जैम रहती है। मैंने अब इस टाइम ट्रैफिक जैम में नहीं खड़े होना, मैं जल्दी से निकलता हूँ घर की तरफ। काम जो हो गया था वो तो शुक्र है टाइम से हमारा काम हो गया, अब जल्दी से घर निकलते हैं। और गर्मी भी आने लग गई है, सूरज आ गया और गर्मी भी साथ ही आ गई, हवा का नमो निशान मिल चुका है। बारिश तो अब 0% है, मुझे लगा था बारिश होगी लेकिन बारिश अब 0% है। और अब जल्दी से घर निकलते हैं, नहीं तो पसीने से यहाँ पे खड़े रहना पड़ जाएंगे, क्योंकि ट्रैक बाई जन सूरज हमारे स्लू पर पड़ रहा है ट्रैक। ऐसा करते हैं फिर, कोई रास्ता रोस्ता नहीं, सीधा आपको मिलते हैं घर जाकर। ओके, अ फ्यू इंचेस लेटर कह रहा है तो असर की नमाज का टाइम हो गया था, जल्दी से असर की नमाज अदा की और उसके बाद ये देखो आ गए हैं सारे खेलने। अस्सलाम वालेकुम आदि भाई, ये तो आज बहुत ही बच्चों की पार्टी हुई, आप बड़े दिनों बाद किधर थे आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, बड़े त्यार श्यार माशाल्लाह, जुमे वाले दिन। और ये देखो इनके भजन किधर तंग आ गए हो। और देखो इसके वैसे, ये देखो ये चेक कर दोनों भाइयों ने कैसी सलवार कमीज है भाई, फुल वाइट वाइट सलवार कमीज, बड़ा कुछ तैयार हुआ है। ये इसने वाइट पहनी है यार, कैसे भाई वाइट सलवार कमीज फुल तैयार हुआ है भाई। किधर की शादी पे जा रहे हो कि मेहंदी मुंदी पे जा रहे हो? जुमे के लिए तैयार हो, अच्छे लग रहे हो यार, अच्छे लग रहे हो। यार बॉल क्यों नहीं लाते यार, है बॉल आपके पास है, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस बॉल में हमारी रखी हुई है, एक संभाल के जमा हुई है देते नहीं, जमा हुई है। अबे भाई वो जो कल लड़का नहीं आया था उसकी भी जमा हुई है प्रैक्टिस बॉल। कौन से कल प्रैक्टिस बॉल जिसे खेल नहीं रहे थे हम, ऑन की यार वो नहीं है जमा, वो आप लोगों के पास है सारी आपकी बॉल। हदी क्या सीन है हदी, कल यार ये देखे सारे भाग गए थे हम दोनों, फिर कारपीट रखे है ये लोग, तुम लोग भी भाग गए थे, तुम लोगों का था कारपीट रखना है मगरिब के वक्त, सारे भाग गए थे। इसलिए आपको याद करा था, अपने आप ही चले गए थे, मुझे लगा नहीं उठाना। आप किधर चले गए थे? मैं तो उधर कारपीट रख के, मैं कल की वीडियो में देखा, देख लेते हैं कल की वीडियो में रखा था, काफी सारे मैं हद ही थे। पता नहीं कितने साल आप चले क्यों गए थे ये तो बताओ। ये हुआ था कि घर का टाइम जो था साढ़े सात। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बड़ी यू आर लुकिंग ग्रेट, बड़ी यू आर लुकिंग ग्रेट। कुर्बानी का क्या सीन है? कुर्बानी पापा जाएंगे इंशाल्लाह, 8 को जाना है, 10 को हम भी इंशाल्लाह, मेरे 7-8 को मुझे भी लग रहा है हम भी तब भी जाएंगे सारी। हाँ उधर ही चले यार, खेलना शुरू करते हैं, बातें खत्म करो, खेलना शुरू कर दो। इतने दिनों बाद आए हो, कटिंग करवा के बीमार थे ये बेचारे, बीमार हुए थे। खेलना शुरू करते हैं भाई, बातें कम करो, खेलना स्टार्ट कर दो, शुरू करो, खेलते हैं यार। खेलने के बाद फिर आप लोगों को मिलते हैं। अजलान को देखो जरा, आराम साइकिल चला रहा है। लेट हो गई, अभी अंधेरा होने वाला, जल्दी से नमाज अदा करने चले हैं। वजू वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह घर से कर लिया आज, आराम से नमाज अदा करते हैं, जमात ही ना मिस हो जाए आज।
अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज हम अदा करके घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चल रही है हमारी फेसबुक पे वीडियो पोस्ट हो रही है और यहाँ पर साथ ही हमारे पास चल रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और ऋषभ पंत इज ऑन फायर और रविंद्र जडेजा इज ऑल्सो ऑन फायर। ये दोनों ने पार्टनरशिप कर दिया, नहीं तो इंडिया तो भाईजान बहुत बुरे हालात चल रहे थे इंडिया के। कोहली भी नहीं, ना पुजारा, ना शरद सरैया, कोई भी नहीं चला, लेकिन इस वक्त इन दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चल रही है। इस पार्टनरशिप अच्छी देखते हैं नेक्स्ट, लेट्स सी कहां तक लेके चलती है ये पार्टनरशिप और इंग्लैंड कब इस पार्टनरशिप को ब्रेक करता है इसी के साथ हम इस वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। मौसम बहुत बहुत अच्छा हुआ है, इंशाल्लाह आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।